बाद हम लोग क्या करें, आक्रोशित हो जाए, जमीन का मालिक क्यों होता है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प, मामला बीसीसीएल द्वारा विस्थापित करने का। जेसीबी मशीन के आगे आए भूली बस्ती के ग्राम, नहीं चलने देंगे मशीन, जमीन है हमारी। भूली के पंचवटी नगर इलाके में बीसीसीएल द्वारा अपने जमीन पर समतलीकरण का कार्य करने को लेकर सीओ प्रशांत लायक के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा था। उसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बाद समतलीकरण का कार्य मंगलवार तक के लिए रोक दिया गया है। स्थानीय ग्रामीण दीपक कुमार महतो ने बताया कि उक्त जमीन को लेकर ग्रामीण और बीसीसीएल के बीच मुआवजा को लेकर मामला लंबित है। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा डंडा दिखाकर भय का माहौल बनाकर जमीन हड़पना चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। मंत्रालय तक बैठे थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि ये जमीन भूली मौजा का है, जिसका किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। और मुआवजा के लिए बातचीत हो गया था, लेकिन किसी कारण सरकार गिर गया, वो काम बात आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए इतना सारा हम लोग आवेदन दे के रखे हैं, ये देखिए आवेदन, ये 87 का रैयत के फेवर में, 87 का रैयत के फेवर में दिया गया। इसका अपील भी चल नहीं किया, फिर भी जबरदस्ती यहाँ लोगों को आके ये लोग कुछ ना कुछ सौदा करके स्वार्थी स्वार्थ लाभ में ये लोग लोगों को बसाने काम कर रहे हैं। जब हम लोग ग्रामीण आते हैं तो लाठी डंडा देखिए कम से कम मतलब सैकड़ों पुलिस कर्मी लेके यहाँ लेडीज और पुरुष लेके आए हैं और ग्रामीण को डरा धमकाने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ सबने नहीं दिया जाता, यह बहुत नाइंसाफी। हम लोग जमीन के बदले हम लोग जमीन खोने लगेंगे, जब तक यहाँ लोग समाधान नहीं हो जाता तब लोग यहाँ जमीन मर जाएंगे, लेकिन जमीन यहाँ से हटने लगेंगे। वही सीओ प्रशांत लायक ने बताया कि जमीन बीसीसीएल का है और गोंदोडी के विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन का समतलीकरण कार्य किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार का विवाद है तो ग्रामीण को कोर्ट जाना चाहिए। फिलहाल मंगलवार तक के लिए कार्य को रोक दिया गया है। एरिया है बीसीसीएल का, वहाँ क्षति कुछ मकान जो है रह रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और गिरने के कगार में, इसलिए वहाँ कार्य बंद किया गया है। तो उसको पुनर्वास करते हुए इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया, तो ये क्षेत्र में उनको पुनर्निर्वासित करके गोंदूडी ओपी में जो वहाँ का कुलियरी है उसका कार्य कब बना रहे हैं। इसलिए आज दंडाधिकारी के रूप में हम प्रतिनियुक्त हैं और इस क्षेत्र का जो है जो भी विधि व्यवस्था की समस्या थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। आज भी सर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ का जो? देखिए विरोध दर्ज करना स्वाभाविक है, लेकिन आपको पेपर के साथ विरोध दर्ज करना है, क्योंकि नया सर्वे में बीसीसीएल इसके नाम से ये सर्वे में आ चुका है, तो आपको जो भी चीज कहनी होगी कोर्ट में कहनी। शनिवार को बीसीसीएल के अधिकारी के साथ सीओ के निगरानी में भूली पुलिस और सीआईएसएफ जवान के तैनाती के साथ पंचवटी में जमीन के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा था। ग्रामीणों के विरोध के बाद कार्य को रोक दिया गया है। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का कार्य किया कि जमीन का कागज लेकर आए और मामला को सुलझाने का काम करे। मंगलवार को जमीन की फिर से मापी की जाएगी और उसके बाद ही कार्य किया जाएगा। ग्रामीण किसी कीमत पर अपना जमीन देने को तैयार नहीं है। यहाँ करीब 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा है।